वेलकम टू बस्कर द लेजेंड द मैन हिमसेल्फ मिस्टर मोहम्मद अली। अब मैं फिर गलत बोल दूंगा तो वो फिर मुझे डांट पड़ेगी। बोलो शेह की, बोलो इट्स सो इजी। सर पहली फीमेल फैन किस वक्त आई थी आपके पास? इससे पहले आ चुकी थी या अभी इसके आगे की? अरे इतनी सारी आए कहां याद नहीं, नहीं जब बिकेम एक तो आप पहले म्यूजिक करते हुए आ रहे थे ना, हंसने खेलने का जमाना था उस वक्त। मतलब मिला जो एक काम था एंड द डे वुड नॉट फिनिश, मतलब दिन शुरू होने से खत्म होने तक हम इतने सारे काम कर लेते थे और आजकल तो पता ही लगता। अब जैसे मैं घर से उठा, तैयार हुआ, इधर आ गया, यहाँ से घर जाऊंगा, डे इज फिनिश्ड। वाह एब्सोल्युटली। मगर उस वक्त आई यूज्ड टू गो टू द कॉलेज, कम बैक, गो टू माय कजिन्स, मेरे कजिन्स के घर, वहां से हम जाते थे उस्ताद साहब के पास सीखने। वाह। फिर उस्ताद साहब से वापस आके घर में प्रैक्टिस करते थे, फिर वहां से मैं जाके टाइपिंग सीखता था, टाइपिंग इंग्लिश उर्दू अरबिक वो सीखता था, उसके बाद मैं जाता था घर, वो भी पैडल, बस में बैठा, उसमें बैठा, इसमें बैठा। उस जमाने में एवरीथिंग वाज ओके, कराची वाज वेरी वेरी क्लीन क्लीन, ट्रैम चला करती थी। सदर, हाँ सदर था, ट्रैम तो खैर चल रहा था मगर ज्यादा नहीं, बट एल्फिंस्टन स्ट्रीट वाज सो क्लीन, people used to walk around in three piece suits. wow haan wow bahut zabardast tha aur khair the bhi tha to karte pehle gaane pe the hum fir humne usko short karte hain fir main intercollegiate wagaira shows mein bheja tha, competition mein har jagah se main jeet ke aaya, jab St. Patrick College mein mere awards aaj tak pade hue aur iftida hogi fir metropol hotel mein main gaana tha mujhe अब्दुल करीम बलोच टेलीविजन के जीएम, उन्होंने सुना, उन्होंने बोला कि इसको बोलो आए कल मिले। मतलब उस वक्त पीटीवी का जो प्रोड्यूसर होता था ना वो बलाद है सर, जीएम को कुछ और ही बला होती है। मतलब ये हमारे लिए तो अनरीचेबल कमोडिटी। खैर किसी तरह चले गए वहां, ढूंढा अंदर कैसे जाएं, आपको जाने नहीं दिया। हाँ तो हमारी एक सेटल्ड ईरानियन थी, लीली रजा, मेकअप आर्टिस्ट, शी अरेंज माय एंट्रेंस। मैं अंदर एंटर जब हो गया, देन आई वाज टेकन टू अब्दुल करीम बलोच, उन्होंने बोला इसको जल्दी जल्दी इसे गाना ठीक है, इसको अभी करो, मुझे भेज दिया फौरन। उसी हालत में सामने गाना मुझे किसने याद कर, हाँ अब्दुल करीम शहाबुद्दीन, उन्होंने मुझे गाना सिखाया उसी। तो आई वॉज लाइक अ लॉस्ट पैरट, मतलब मैं किधर आ गया, अजीब से है। उसी वक्त वहीं खड़ा कर दिया माइक पे, अब यहीं से गाओ और वहीं से पिक्चराइज भी हो रहा है, वहीं से लाइव भी जा रहा है। वाओ वाओ वाओ। ऑब्वियसली आई कुडंट स्टैंड इट, सी, तो मैंने कुछ अच्छा नहीं किया, गाना तो मैंने गा दिया, मगर अब्दुल करीम बलोच फुल ऑफ फायर, ये क्या किया तुमने यार, तुमने तो यार यूं कर दिया। मैंने कहा सर मुझे कुछ बताएं तो सही, आपने गाना मुझे याद करके माइक पे खड़ा कर दिया और कुछ भी नहीं बोला कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो खैर दोबारा से वो सॉन्ग हुआ, फिर दोबारा से हुआ, दोबारा से वो सॉन्ग पे चल पड़ा। देन इट वाज अ रॉन्ग गैप बिफोर आई मेट मिस्टर कजन फर अली थ्रू लीली रजा अरेंज, लीली रजा इमाम, अमीर इमाम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। उन्होंने लीली से कहा, मुझे कहा, मैं चला गया तो वह तारा घनश्याम शो हो रहा था और उसमें जो तारा घनश्याम खुद ही डांस भी करती थी, गाने भी गाती थी वगैरह वगैरह, उस हर प्रोग्राम में एक नया आर्टिस्ट होता था, दो दे सेलेक्टेड मी टू बी देयर। मैं चला गया तो मेरे वहीं से बैठे बिठाए ऑडिशन शुरू, तो नियाज अहमद साहब थे, दिस आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ। तो उन्होंने कहा बेटा कुछ सुनाओ बेटा, मुझे गाना याद था वो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वेरी टफ सॉन्ग, मगर चूंकि मैं किशोर कुमार साहब को बहुत गा चुका था तो मैंने वो गा दिया। फिर उन्होंने कहा और सुनाओ, मैं तेरे मेरे मिलन किरण वो गा दिया, उन्होंने बाजा बंद कर दिया। मैं समझा भाई आज भी, उन्होंने बोले जल्दी से इनका बुकिंग लो, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, ये आ गया, साइन वाइन करो फॉर यू, कल आप रिहर्सल पे आएंगे, रिहर्सल भी होती है, रिहर्सल दो दिन रिहर्सल होगी, फिर हमने टेक किया, टेक के दिन ये हुआ कि हम गाते गाते जो जिनका शो था तारा घनश्याम,
उनको कोई तकलीफ हो गई है कुछ पता नहीं क्या हो गया, डुएट सॉन्ग था तो शी लेफ्ट एंड दे मेड मी सिंग द सॉन्ग ऑल सोलो, मैंने सोलो गा दिया। वो गाना फिर एज अ फिलर चढ़ने लगा, उस वक्त ब्लैक एंड व्हाइट था, दैट वाज ब्लैक एंड व्हाइट, आई डिडंट हैव नो प्रॉपर क्लोथ्स टू वेयर, तो मैंने किसी से वो जैकेट मंगवाया। अब वो मैं चूंकि बहुत दुबला पतला था, वो जैकेट भी झूला जैसा था, उन्होंने फिर जैकेट को पीछे से पिन लगाया, गजनफर ने खुद खड़ा करके उन्होंने वो सॉन्ग अपने स्टाइल से किया, विच वॉज वेरी वेरी गुड। और फिर एक किसी मेरी दोस्त थी, कोई लड़की थी, उसकी अदर अलग से इंसर्शन, वो गाना था इस तरह, मेरे प्यार के तू संग संग है, मेरे सपनों में चाहत का रंग है, प्यार किया मैंने दिल दिया, मैंने दिल लिया। अच्छा उसका जो टफ पोर्शन था वो था, देखा रात मैंने एक सपना सुहाना। अब देखें बीट अगर चल रहा है, कहरवा का बीट है, तो वो उसका जब इंसान इस तरह आड़े टेढ़े गाएगा तो वो यू गेट लॉस्ट के वेयर टू लैंड, बट आई डिड इट। द सॉन्ग वॉज रिलीज्ड एंड उस जमाने में इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, तो दोनों गाने, मेरा गाना और आलमगीर का गाना दोनों साथ चलते थे, एक आगे पीछे, वो था आलमगीर और नाजिया, नाजिया थी ईरानी, वो भी ईरानी थी, एंड शी ब्रॉट दैट सॉन्ग, एंड वहाँ भी करीम शाबुन थी, देखा ना था वहाँ से ही यहाँ से चलते चलते आई गॉट पॉपुलर, शुरू हो गया। As luck would have had it. Yes, exactly. And Shoaib Mansoor came looking for me in Bahadurabad where we were sitting in under the electric pole. You were the only person without blue eyes जिनको ढूंढते हुए वो खुद आए थे। जी, we were studying. हमारे इंजीनियरिंग का एग्जाम था बहुत, और घर में लाइट नहीं होती थी, गर्मी होती थी, तो myself and Sajjad and Kaleem were three guys to study. वहाँ वो पहुँच गए, उन्होंने कहा कि हम आपको काफ़ी ऐसे से ढूंढ रहे हैं वगैरह, ये वो फलाने धमाका, और आप फलाने टीवी आ जाए, मैं चला गया टीवी, वो फिर वो तारा घनश्याम, तारा घनश्याम टीवी, उन्होंने बोला कि ये आपका ये फर्स्ट एवर कलर प्रोग्राम ऑफ पी टीवी आप कर रहे हैं, वाह वाह वाह, फर्स्ट एवर। उसका उसका भी एक एक थोड़ी सी स्टोरी है कि हमारे यहाँ पेंट बॉक्स आया था पी टीवी में, पेंट बॉक्स का मतलब है वो उसके अंदर ही क्रोमा बनता था, क्रोमा कटिंग क्यों होता है, उस वक्त ब्लू था क्रोमा, ठीक है। अब वो खड़े खड़े वो सॉन्ग हो रहा था, आई डोंट, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तो वो सॉन्ग क्योंकि हर प्रोग्राम में पांच गाने होते थे, तो दिस पाकिस्तान वॉज वन ऑफ द सॉन्ग, उसके लिए क्रोमा कर रहे थे। अब वो क्रोमा नहीं कटे, पूरा दिन खत्म हो गया, दूसरे दिन, अच्छा दूसरे दिन 11 बजे से पहले I was standing over there, और मेरे पैरों में वो क्या बोलते स्पॉट्स आ गए थे, ब्लड स्पॉट्स, इतना खड़ा रहा था, और मैं जब हिला वहाँ से तो मेरा पैर लगा वो लाइट का जो स्टैंड था एक अलग से लगाया था, तो वो लाइट जो ऐसी थी वो ऐसी हो गई और वो स्क्रीन पे पड़ी, ब्लू स्क्रीन पे, और ओए कट गया कट गया कट गया, and everybody cried. क्रोमा कट गया, तो दैट वाज द फर्स्ट क्रोमा कट। आपने देखा होगा मैं भी पाकिस्तान हूँ, मैं उसमें सिर्फ ऐसे ऐसे गा रहा हूँ इसलिए, और लगता कि पैरों को सीमेंट लगा दिया किसी ने, इसलिए कि मुझे ऊपर से कहते एक और लता नहीं हिलाई। गजनफर साहब की पेटेंट लाइन थी, लता नहीं हिलाई। ओ खोतिया। Then what next? So much, and I was a part of a journey. The journey started, and अच्छा इसमें एक और है कि हम खाती जी फॉल्स गए, the whole team पिकनिक गए, वो वहाँ गए, अब सब कुछ निकाला सुबह 4 बजे ताकि वो सूरज निकलने का शॉट ले, वो पता लगा बैटरी भूला है। अब आपने किसको पैर मारा फिर? अब वो जो बंदा था वो भाग के छुप गया, अभी यहाँ तो बलवा हो जाएगा, ये तो मारेगा आदमी है,
तो खैर बड़ी मुश्किलों से वापस आए, फिर दूसरे दिन फिर गए, फिर वो शॉट हुआ सारा। और झरने वाज द फर्स्ट एवर प्रोग्राम विच केम कलर एंड आई वाज द वन फर्स्ट। और फिर झरने वाज आई वाज अ परमानेंट फीचर ऑफ झरने, परमानेंट मतलब मैं चूंकि अवेलेबल था और ये कि पीपल लविंग इट एंड वी वर डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। कहते हैं औरत को पहली मोहब्बत और आदमी को पहली फैन कभी नहीं भूलती। एक फलक नास थी, वो शी इज गॉन, लॉन्ग गॉन टू बैक टू स्टेट्स, वो थी मतलब यू कैन कॉल हर फर्स्ट। ठीक है, अदरवाइज मैं कभी लड़कियों को उस नजर से नहीं देखता था। वैसे मुझे पता था दे आर फैंस बिकॉज दे कम टू मी बिकॉज दे वॉच मी ऑन टेलीविजन स्क्रीन। फैन ऑफ योर वर्क, यस। इसने जो है ना ये मुहावरा गलत बोल दिया था आपसे वैसे ही बुलवाने के लिए, औरत को पहली मोहब्बत और मर्द को आखिरी याद रहती है। मैंने फैन जान के बोला। तो डॉक्टर साहब आपने सही बोला, आदमी को औरत को पहली मोहब्बत और आदमी को आखिरी मोहब्बत। अभी आपसे पूछूंगा, ब्रेक ले लेता हूँ, ब्रेक में आपकी आखिरी मोहब्बत अभी आखिर आई कहाँ है यार, छोटी सी ब्रेक और आखिर आई नहीं।